स्पीति में बारिश, यह पाठ कृष्णनाथ द्वारा रचित है और यह एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है जो लाहौर स्पीति जिले की एक तहसील स्पीति की ओर उसके द्वारा की गई थी। इसमें स्पीति घाटी की परिस्थितियों का मनोरम वर्णन किया गया है। यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ता है। दो स्थानों को वायरलेस सेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुशहर और कभी कुल्लू मंडल में रही। कभी यह ब्रिटिश राज में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेश वाहक आता था तो उसके आते आते बसंत बीत जाता था। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आँख बंद करके चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। यही उनकी सुरक्षा शैली थी। स्पीति की जनसंख्या और राज्य की बात करें तो 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7196 और क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व एक वर्ग मील में केवल 4 व्यक्ति है। स्पीति का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता रहा। अंग्रेजों के राज में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी यानी टैक्स इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। फौजदारी मुकदमे होते हैं जमीनों से संबंधित मुकदमे। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया और यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, जहां पहुंचना बहुत ही कठिन मानते हैं। इसकी दुर्गम ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, जिनकी औसत ऊंचाई है 18,000 फीट। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर और लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियां भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने तक पूरी दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। फसल भी एक बार ही होती है, इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ रहते क्यों हैं। धर्म या जन्मभूमि के कारण, मजबूरी के कारण या बिना कारण, स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे हैं और भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, यानी पूरी जगह बर्फ है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसे बाजारू चहल पहल कुछ भी नहीं मिलता है। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहौल स्पीति की घाटियाँ रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट हैं। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा की श्रेणियां कहते हैं। श्रेणियां होती हैं पर्वत के
जो लाइन होती है, काफ़ी सारी लाइन्स में पर्वत होते हैं। दक्षिण की 5 पर्वत श्रेणियों में इनको श्रेष्ठ माना जाता है। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,640 फीट है। कुछ चोटियां 17,000 फीट से भी अधिक हैं। इनके गांव ही 13,000-14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय कहा जाता है, जहां पर स्फीति नाम की तहसील स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय है, यानी इसके आगे चलें तो बाहरी हिमालय की चोटियां शुरू हो जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 23,000 फीट ऊंची है। कई कई चोटियां तो 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है। यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, फिर भी यह नवयुवकों का अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास दिखती है। यदि यहाँ युवक युवतियाँ किलोल करें तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष फैले। यानी यहाँ पर जो दुख सा व्याप्त है, क्योंकि लोग कम हैं और हर्ष नहीं है, ज़्यादा लामा दिखते हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए वहाँ पर खुशी कम शौक ज़्यादा नज़र आता है। स्फीति में लाहौल की तरह दो ऋतुएँ होती हैं, एक वसंत और एक शीत। वसंत ऋतु सितंबर तक अल्पकालिक होती है। तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री होता है। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही लगा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ठंडा मौसम होता होगा। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। शीत में तो यहाँ की नदियाँ भी जम जाती हैं, नाले भी जम जाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं जिसमें खुले अंगों में शूल की तरह हवाएं चुभती हैं। वर्षा का यहाँ पूर्णतया अभाव पाया जाता है। स्फीति में भी मानसून नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाठ का वर्णन किया है, वह यहाँ नहीं है। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किया है, परंतु स्फीति के निवासी इसके लालित्य को नहीं समझ सकते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और हाथी चिंघाड़ते हैं, और वियोगिनी स्त्रियां रोती कलपती हैं। कारण यह है कि यहां कभी कभार बारिश होती है, धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है। स्फीति में साल में केवल एक फसल होती है, यह जो गेहूं, मटर और सरसों बोए जाते हैं। पहाड़ों से बहने वाले झरनों से सिंचाई की जाती है। स्फीति नदी का जल किसी भी काम में नहीं आता। यहाँ बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती है। यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण न फल होते हैं न पेड़, इसलिए स्फीति नंगी और वीरान है। लेखक को एक सुखद घटना की याद आती है। वह काजा के डाक बंगले में सोया हुआ था। आधी रात थी, लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने उठकर खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह और हाथ को छीलने लग गया। लेखक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पता चला कि बारिश हो रही है, बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है और महासंघ की ध्वनि तैर रही है। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी, क्योंकि स्फीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है।